फिरोजाबाद जिले में डॉक्टर रजनीश दुबे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन का फिरोजाबाद दौरा। मंडल आयुक्त आगरा, मंडल अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस महानिरीक्षक आगरा जोन, जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा, फिरोजाबाद मैनपुरी मथुरा एवं फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य से साथ विभिन्न मुद्दों पर कर रहे हैं बैठक। शासन के ये निर्देश हैं कि हर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाना है स्वच्छता के लिए और सैनिटाइजेशन के लिए। मंशा इसके पीछे ये है कि बारिश के वक्त बाकी बीमारियां भी आगे आ जाती हैं, डेंगू, जापानी इंसेफलाइटिस, AES वगैरह, तो वो अगर कोविड के साथ कंबाइन कर गए तो उनका इम्पैक्ट बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। तो ये बाकी बीमारियाँ सर उठा ना सकें और वो ठीक से नियंत्रण में रहें, इसलिए इस पर तेजी से और अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे सभी जिलों में चल रहा है सैटरडे और संडे को। इसके अलावा बारिश में चूंकि अब खेती में धान की रोपाई का काम लगभग ख़त्म सा हो गया है, तो अब रोज़गार देना भी एक चैलेंज है, क्योंकि आमतौर पे नरेगा वगैरह में जिस साइट पे काम होता है वो या तो चक्रोड है जिस पे आज काम नहीं हो सकता, या वो तालाब है या नदी है, उस पे कम्युनिटी वर्क उस लेवल के नहीं हो सकता। तो एक जो हर पंचायत में पंचायत घर बनना है, हर गांव में कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स बनना है, और लाभार्थियों के इंडिविजुअल जो काम होते हैं काउ शेड, कैटल शेड, नरेगा के तहत, तो उनके लिए बताया गया है कि इन कामों को फोकस करिए। हर पंचायत घर में कम से कम 20 परिवार नरेगा के ऐसे लगे जिनको 100 दिन की पूरी रोज़गार पूरा हो सके, क्योंकि उस 20 लाख में लगभग 4.25 लाख रुपये मजदूरी का है। तो इस तरह से इनको बताया गया है कि कौन सा जगह है जहाँ आप अभी फोकस करके और रोज़गार दे सकते हैं। इसके अलावा जो सेवा आयोजन कार्यालय है वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के तहत जो लोग बाहर से लौट के आए हैं या जो लोग यहीं के रहने वाले हैं लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से उनके रोज़गार में किसी भी तरह का व्यवधान हुआ है, तो अगर उसकी रीस्किलिंग होनी है या ट्रेनिंग होनी है तो उसकी व्यवस्था कराई जाए, और वो पोर्टल के साथ मॉनिटर करें कि इनको काम मिल रहा है या इनको व्यवसाय करने में कोई मदद चाहिए बैंक वगैरह के साथ, तो वो SLBC या डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर कमेटी से हल की जा सके। थैंक यू सर। जिस तरह से तो किस तरह से पुलिस को आदेश दिए गए हैं? मास्क पे बहुत सख्ती की ज़रूरत है और 500 रुपये का जुर्माना किया गया है 100 रुपये को बढ़ाकर, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश लेवल पे लगभग 52 करोड़ रुपये का पेनल्टी भी वसूला गया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो लोगों को खुद से इसको अपनाना होगा। 100% किसी चीज़ का इन्फोर्समेंट नहीं होता है, 2-4-10% डेलिंक्वेंट है जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट काम करता है। तो यहाँ पे लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए और उनको पता ये होना चाहिए कि वो बीमारी से बचने के लिए और साथ ही अगर वो खुद बीमार हैं तो उसे फैलने से रोकने के लिए, ये दोनों ही स्थिति में मास्क मददगार होता है। तो ये लोगों को भी इसको अपनाने की ज़रूरत है। थैंक यू। जैसे आगरा की लैब है और अगर हमें लग रहा है कि इस समय मथुरा संवेदनशील ज़्यादा है तो मथुरा के सैंपल्स हम ज़्यादा लेंगे और उस पर मैनपुरी के सैंपल्स अपेक्षाकृत हम कम करते हैं। इस तरीके से इसको कैलिब्रेट करके कोऑर्डिनेशन कमेटी से हर 2-3 दिन से इसको देखा जा रहा है, जल्दी ये बैकलॉग पूरा करना। समीक्षा बैठक में किस जिले में सबसे ज़्यादा समस्या थी, क्या बन रहा आज की? कोई ज़िला तो ऐसा चिन्हित करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समस्याएँ आईं। जैसे कि फिरोजाबाद में जो FH मेडिकल कॉलेज है उसके बिलों के पेमेंट का मसला था, तो वो मंडलायुक्त महोदय ने उसका समाधान करा दिया, आज वो बिलों का पेमेंट हो जाएगा। कुछ ज़िलों में स्टैंडर्ड 2Q एंटीजन उसकी मात्रा कम थी, तो वो एंटीजन जो है उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो टीम्स हैं उन टीम्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वो टीम्स बढ़ाकर उनकी ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए।